और अब अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिले की सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के 4 उम्मीदवारों को निर्धारित समयावधि में चुनाव खर्च का विवरण प्रस्तुत न करने पर 22 जुलाई 2022 से 3 वर्षों के लिए आयोग घोषित किया गया है। इस अवधि में इन 4 उम्मीदवारों द्वारा संसद के किसी भी सदन, राज्य विधानसभा अथवा विधान परिषद के निर्वाचन के लिए निर्धारित रहेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अलग अलग आदेशों के अनुसार रीवा जिले की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 69 सिमरिया में आम निर्वाचन 2018 में गोपाल प्रसाद सतनामी, सर्वधर्म पार्टी मध्य प्रदेश, रामस जीवन तिवारी निर्दलीय, राम लोटन चौधरी निर्दलीय तथा विवेक सिंह नीलू भैया निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में निर्वाचन में शामिल हुए थे। इन उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा 10 जनवरी 2019 तक चुनाव खर्च का विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध के कारण बताओ नोटिस देने पर भी इन उम्मीदवारों द्वारा ना तो चुनाव खर्च का विवरण दिया गया, ना ही नोटिस का उत्तर दिया गया। इसलिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 का के तहत कार्यवाही करते हुए इन 4 उम्मीदवारों को आदेश जारी होने की तिथि 22 जुलाई 2022 से 3 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने के लिए आयोग घोषित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।